तो मैं डॉक्टरों को इतनी गाली देता हूँ, तुम्हें नहीं लगती? अच्छा आपको अच्छी इसलिए लगती है, आप उत्थान के कार्यों में हैं। ये उत्थान के कार्यों वाली डॉक्टर है, ये वैसी डॉक्टर है ही नहीं जो लोगों को लूट लूट खाए। ये तो अपने घर से देके ठीक कर देगी बहन जी, यही बात है। जब बोलते हो ना, पहले तो ये भी बोला करो कि जंगलों को काटना नहीं तभी जड़ी बूटियां मिलेंगी, क्योंकि आयुर्वेदिक में आज रामदेव जितनी भी दवाइयां बना रहा है ये सभी नकली हैं, सब में मतलब वो शिलाजीत या कुछ मिलाया हुआ है, वो प्योर च्यवनप्राश नहीं है। मैंने उसके पंचगव्या को भी किया था, सू किया था। नहीं तो हम यहाँ रामदेव की बुराई करने के लिए थोड़ी नहीं, मैं आपको बताती हूँ, जंगल कटेंगे तो जड़ी बूटी नहीं मिलेगी। आयुर् वो दे तो शुद्ध रहा है ना कुछ ना कुछ, मेरे को वीडियो में आयुर्वेद में वीडियो तो ये सभी की बनाते हैं, ये नहीं मानते हैं। आप मेरी बनाते नहीं होते, आप मेरी आवाज लेते हैं। आपने हमेशा मेरी आवाज ली है, फेस नहीं लिया कभी, तो आप ही की उस पे चल रही हूँ कि फेस नहीं, आवाज देना सिर्फ अपनी, तो आवाज दे देंगे क्या दिक्कत। और दूसरा आपने ये कहना कि अगर आबादी 100 की हो तो 80 तक रखो, अगर आबादी ज्यादा बढ़ गई तो जंगल खत्म हो जाएंगे, गायें खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जंगल नहीं काटने, आबादी किसकी, हमारी अपनी मैन की पॉपुलेशन ज्यादा होती जा रही है भैया। गलत मत, आपको पता ही नहीं है 100 करोड़ हमने तो 500 करोड़ हो जाए, प्रकृति हमेशा देगी, जो जन्म देगा दाता वो आपके खाने का प्रबंध पहले करेगा। अगर 1000 करोड़ लोग हो जाएंगे और 1000 करोड़ में से 500 करोड़ योगी हो गए, उनको ना खाने की जरूरत ना पीने की जरूरत है। पाकिस्तान क्राइस में है, वो इसलिए क्राइस में है कि इतनी पॉपुलेशन, पाकिस्तान पे भगवान की कृपा है का, चलो हिंदुस्तान पाकिस्तान अल्लाह की कृपा मानता है, और अल्लाह उनको पाए नहीं आज तक, अल्लाह को उन्होंने देखा नहीं, हमने तो भगवान को माना है तो भगवान को देखा है। तो फिर बात तो ये नहीं समझे भाई, वे अल्लाह अल्लाह करते हैं। एक बात, सारे शरीर से जुड़े हुए हैं, आत्मा कहाँ है उनको पता नहीं, उनको ये नहीं पता प्राण कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, कहाँ जा रहा है, उनको ये नहीं पता। भ्रकुटी के मध्य में एक तेज व्याप्त है, वो कभी अंदर झांकते नहीं, प्राणायाम वो बताते नहीं, आए ना समझ में, कोई प्राण की साधना उसमें होती नहीं है। एक सूफियों को छोड़ के जो मुस्लिम भी होते हैं और भगवान के भक्त भी होते हैं, उनको छोड़ के और मुसलमानों में कौन जानता है उस तेज को व्याप्त करना। और फिर अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह की प्राप्ति थोड़ी ना हो जाती है, है? आप किनारे पे खड़े होके अपने पति का नाम लेते रहो, यहाँ खड़े होके वो यहाँ आ थोड़ी ना जाएगा। फिर मनु भैया तो प्रैक्टिकल करते हैं, ऐसे तो करते ही नहीं है फिर। और यहाँ भारत में आत्मा को जानने वाले लोग हैं, तो फिर कमाल की बात है। यहाँ भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था सब्जियों की कमी हो गई, अनाज की कमी हो गई, छत पे बोना चालू कर दिया था लोगों ने, आप जानते नहीं। फिर अब सुनो और मेरी बात, ये तो हमने अपनी बहुत रोक रखी है, 2 बच्चे करते हैं आज के टाइम में लोग, और एक भी करते हैं, अगर 5 और 50 और 100 भी हो तब भी उनकी पूर्ति, उनके उधर की पूर्ति ईश्वर करेगा, इसलिए क्योंकि हमें अपने ईश्वर पे भरोसा है, उनको नहीं है, वे यूं ही भूखे मरेंगे और हम सदा पेट भरा रहेगा और दूसरों का भी पेट भरेंगे। ये बात है क्या ना बहन जी, अभी आजकल अफगानिस्तान के प्रॉब्लम्स है, सर्व अरब कंट्रीज में यही चल रहा है कि हमारा इंडिया उनको नाज दे रहा है, हेल्प कर रहा है। तो फिर तो भी मैं चाहती हूँ कि मेरा श्रीलंका को हेल्प की, अब अफगानिस्तान को हेल्प कर रहे हैं, भूटान को की, ये तो रिसेंटली की है। अभी बहन जी देखो 5-7 देश भूखे मरेंगे तो मेरे घर में इतना अनाज है, 5-7 देश को तो मैं भी खिला दूंगा। वो तो मुझे पता, सोलर प्लांट्स लगे हुए हैं, साइलोस लगे हुए हैं, जिसमें 100 साल का अनाज फिक्स पड़ा है भारत सरकार के पास। पर फिर भी हमें अपने मुल्क को मजबूत बनाना है। हमारा मुल्क मजबूत ही था आगे ना, आज उसकी सीमाएं मजबूत है, आज उसका रक्षा कवच मजबूत है, अब उसको अंदर का देखना है, ये काम उसने कर लिया है, अब देखिए अंदर को मजबूत कैसे करते हैं। ठीक है, अंदर जो रह गया इस सीमा के अंदर अंदर, भारत की सीमा के अंदर, अच्छा। वो पारस है, वो कदापि मेला नहीं हो सकता। अभी देखो हम सारे कोयलों की चमक लगाने वाले हैं, सारे कोयलों का कालापन उतारने वाले हैं, ठीक है, तब आप अपने पति का ऐसा निखार देखेंगी और उनकी खूबसूरती पर मरमर मिटेंगी, ठीक है, तो वो भी पारस हो जाने वाले हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, महाराज की जय। गलत तो नहीं कहा मैंने, नहीं बहुत अच्छा कहा। हाँ। मैं आपकी बड़ी बड़ी फैन हूँ, पंजाब में जितने भी आपके पास लोग आते हैं, फैन जल्दी चाय में घुल जाते हैं, मुझे मट्ठी चाहिए। मट्ठी खिला दूंगी। आप चंडीगढ़ आओ, पंजाब आओ भैया। नहीं आप एक बात बताओ, आप अपने उसकी फैक्ट्री की बची कुछ टोटियां मुझे दे दोगी भैया, ये ले लो अपने आश्रम में कहीं लगा लेना, आप ही की है, वे कहीं से लीकेज होंगी
मैं क्या करूँ, इसलिए मैं तेरे पास नहीं आता, इसलिए मैं तेरे पास नहीं आता। हमारे यहाँ के कावाड़ी भी बहुत होशियार है, कहेंगे तो कुछ भी ना है। नहीं नहीं भैया, आप आओ, मैं तो आपको आज से नहीं कितने लंबे टाइम से बुला रही हूँ कि उधर उधार का जरूरत है, उधर बहुत मतलब जितनी मोक्ष कम मिलता है लोगों को, तो सब लोग डिस्टर्ब ही होते हैं। तो मैम आप मेरे ज्ञान गुरु हैं, पहले भी मैं, क्योंकि मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ तो मुझे ज्ञान था, तो लेकिन यहाँ पे उस टाइम की बातें मैंने आपसे ज्ञान सीखा कि प्रेत क्यों बनता है, वो बॉडी में एंटर कर जाता है, भक्ति करो तो भी एंटर कर जाता है, वो चिल्लाता है, उसका मोक्ष नहीं होता। फिर आपने कहा कि जो अच्छे प्रेत हैं मैं उनकी मोक्ष दिलाता हूँ, प्रीतम प्यारा के लाइन से आपने उसको मोक्ष दिलाया था, राइट। उसके बाद फिर आपने कहा कि जो हठी होते हैं जिनके कर्म ही नहीं मोक्ष की तरफ जाने वाले, फिर मैं उनको भस्म कर देता हूँ। कल की डेट क्या थी? 11 तारीख थी। 11 तारीख की आप वीडियो देखिएगा, हमने वो जानकारियां दी है जो पूरा विश्व उसको देख के सुन के दंग रहेगा। मैं आपको सारे कमेंट्स करती हूँ, अगर आप अपना कभी वो खोलोगे तो चंडीगढ़ से मेरे ही तो मैं इसलिए नहीं खोल पाता बहन जी, आजकल मैं योग के साथ युक्त हूँ। आप मेरा फोन के साथ युक्त हूँ मैं आजकल, इसलिए। बाकी देखो मेरे लिंक्स देखो, माँ कामाख्या टेम्पल के जो राज पुरोहित है, मैंने उनका क्या करना, नहीं घर में है ना, मेरा तो आज तक एक ही टेम्पल नहीं बन पाया। ये टेम्पल से भी ग्रेट है। हाँ, ये तो परिवार है, इतना बड़ा परिवार है, ये परिवार है, ये फैमिली है। मैं बार बार आती हूँ। अभी देखो मुझे, मेरे को लगा कि मेरे को कहाँ लगी, हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो गई। कहाँ लगी जी, कहाँ लगी? हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर बेकार है, हार्ट प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर हैं, आप खुद को बेकार ही। नहीं भैया मुझे बच्चों ने कहा। कहाँ लगी? यहाँ लगी। होता क्या है यहाँ? हार्ट बीट तेज होती थी, बीपी बढ़ती थी। ननु भैया से डॉक्टर नहीं जीत सकता, मान लो है कि नहीं? एक भी डॉक्टर कह रहा, देखो अब डॉक्टर की साइंस कैसे फेल होगी, कोई ये कहेगा ये डॉक्टर भी बेवकूफ है, इसके कान में फूंक मारी, हार्ट में बता रही है। कहाँ फूंक कहाँ मारी थी? कान में। और लगी कहाँ? अच्छा फिर मारता हूँ। पढ़ी लिखी डॉक्टर मनु भैया के चक्कर में आ गई, मनु भैया के पास मंत्र शक्ति है, सिद्धि है, है ना, दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। हो जाए करो प्रसन्न चित्र हो गए ना, दुख में ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर ही घबरा जाएंगे। ये तो भाई वाकई में सच्ची आत्मा है कि दुख में खुश रहता है, दुखी रहता ही नहीं है। चलिए तो सबके पहले दर्द कम करते हैं। सो स्वीट। हाँ तो खड़े हो जाए सारे के सारे। सबसे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे।